सेलर को कैसे जानना है? सेलर के पास जो आपके पास आता है उससे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। जब हम परचेजर हमारे पास आता है तो उसकी एक इंटरव्यू लेनी है कि हमें जब तक परचेजर के बारे में नहीं पता होगा कि इसको क्या चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी पसंद कर रहा है, कितना बजट है, कितनी देर के लिए पैसे लगाने हैं। हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मौर्य प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने इस बात पे लिया है कि अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जाने और कैसे जाने। सबसे पहले कस्टमर में हमारा कौन सा आता है? नंबर वन पे सेलर भी आता है और नंबर दो पे परचेजर भी आता है। सेलर और परचेजर दोनों कस्टमर है ना अपने? तो सेलर को कैसे जानना है? सेलर के पास जो आपके पास आता है उससे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, उसका आधार कार्ड मांगना है, उसका पैन कार्ड मांगना है, उसके पास यदि कोई बाहर से आया तो पासपोर्ट भी मांग लेना है, हर चीज मांगनी है, कागज तो देखनी देखनी है, और अच्छे तरीके से उनके साथ बात करनी है ताकि सामने वाले बंदे को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। और नंबर दो पर परचेजर, परचेजर को कैसे देखना है? परचेजर के पास जब हम परचेजर हमारे पास आता है तो उसकी एक इंटरव्यू लेनी है। मैं शुरू से जब से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं ये काम करता हूं, जो बंदा परचेजर है उसका इंटरव्यू जरूर लेता हूं। कारण ये है कि हमें जब तक परचेजर के बारे में नहीं पता होगा कि इसको क्या चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी पसंद कर रहा है, कितना बजट है, कितनी देर के लिए पैसे लगाने हैं, एंड यूजर है या इन्वेस्टर है, जब तक हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम कहीं सिटे पर नहीं पहुंच सकते। मतलब हमारी मेहनत ज्यादा हो जाएगी और रिजल्ट नहीं मिलेगा। जरूरी बात यह है कि आपने देखना है कि आपका जो कस्टमर है वो कैसा है, सेलर एज ए सेलर कैसे, परचेजर कैसे। अभी पिछले दिनों में हमारे पास कोई बंदा बाहर से आया था और उसने कोई यहां बनगुड़ में प्रॉपर्टी पसंद करी, प्रॉपर्टी पसंद करके पैसे भी दे दिए, लेकिन बाद में पता नहीं किसी को लेके चला गया, अपने रिश्तेदार को या किसी दोस्त को लेके चला गया, उसने इसको बोल दिया कि प्रॉपर्टी महंगी है। तो प्रॉपर्टी महंगी नहीं थी, मतलब यह था कि उसके दोस्त की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी नहीं थी। तो वो बंदा, जो बंदा प्रॉपर्टी लेने वाला था, वो बंदा तो प्रॉपर्टी को छोड़ के चला गया। आपका हमारे कोई प्रॉपर्टी वाला जो डील करवा रहा था उसका नुकसान भी हो गया क्योंकि उसको कमीशन आनी थी। लेकिन एक साल में, फरवरी में उसको एक साल होगा, वो प्रॉपर्टी 42 लाख रुपए की जो लेके दे रहा था बंदा, आज वो 65 लाख की हो गई। 65 लाख की मतलब 10 महीने में 23 लाख रुपया रेट बढ़ गया, क्योंकि वो रोड जो उसके आसपास है, रोड बड़ी चौड़ी रोड निकलेगा उस नोटिफिकेशन होगी। जो प्रॉपर्टी डीलर उसका डील करवा रहा था उसको तो ये पता था कि यहां पर रोड चौड़ी होनी है, लेकिन वो बंदा जो परचेजर था वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। पहले उसने विश्वास कर लिया, लेकिन जब उसने रजिस्ट्री का टाइम आया तो उस पार्टी ने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को ले जाके वो प्रॉपर्टी दिखा दी और वहां पर उसको महंगी लगने लगी। तो महंगी नहीं थी, उसमें जो हिडन कॉस्ट थी वो उसको जज नहीं कर पाया। ये हमने बहुत जरूरी देखना है। ऐसे कई बार हमें परचेजर मिल जाते हैं या कस्टमर मिल जाते हैं जो अपना भी टाइम खराब कर जाते हैं और हमारा भी टाइम खराब कर देते हैं। हमने ऐसे लोगों से बचना है। यदि सेलर है, सेलर के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि यदि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हो या कोई सरकारी प्रॉपर्टी लेते हो तो वो आइडेंटिटी बॉन्ड लेते हैं। आइडेंटिटी बॉन्ड ये जो आइडेंटिटी बॉन्ड क्या है, श्योरिटी बॉन्ड है। छोटी बॉन्ड परचेजर से लेते हैं कि भाई मैंने सेलर के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया है। मतलब अच्छे तरीके से जानने का मतलब यह है यदि कल को बंदा कोई फ्रॉड कर दे, कोई दूसरा बंदा निकल जाए तो आपको जो परचेजर है उसको पैसे, मतलब उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए परचेजर दी मतलब बेवेर द बायर यह कहा जाता है, खरीदार खबरदार कहा जाता है, मुश्तरी होशियारबाज कहा जाता है। आपने एज ए प्रॉपर्टी एजेंट आपने ये चीजों पर ध्यान रखना कि आपका सेलर कौन सा है,
उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कब उसको पैसे चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी है, कितने बंदे बेचने वाले हैं, हर एक चीज, और परचेजर को के बारे में भी अच्छे तरीके से जान ले और उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके बात करें। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ये डील हुई है, ये डील कैंसिल होगी, उसने अपना भी नुकसान कर दिया और जिस बंदे ने उसकी डील करवाई थी उसका भी नुकसान हो गया। सो दोस्तों, आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।